नमस्कार दोस्तों, मैं सुजय कुमार और आपके अपने चैनल सुजय फैंटेसी में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो बात करने वाले हैं वो न्यूजीलैंड और बांग्लादेश के बीच में जो दूसरा T20 मुकाबला होने वाला है उसके बारे में। एक चीज मैं आपको पहले क्लियर कर दूं कि इनका अभी एक मुकाबला जो गिरा, न्यूजीलैंड भैया इतना खराब परफॉर्मेंस कर करके आई है, मुझे तो उम्मीद ही नहीं था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है, लेकिन हो गया। यहाँ पर टीम बहुत ज्यादा गंदा परफॉर्मेंस करके आई है, लेकिन मुझे लगता है ना कि इस मैच में कमबैक करेगी न्यूजीलैंड की टीम और इनको हराने का पूरा प्रयास करने वाली है। मतलब पूरा जोर शोर से ये टीम आएगी इस बार। तुम देखना कि जो मैंने पिछले वाले वीडियो में प्रिडिक्शन किया था ना, वो सारा कुछ सत्य हो जाएगा इस वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि मेहंदी हसन को लेकर के चले जाना, जो एक बॉलर थे बांग्लादेश के, स्पिनर उनका सिलेक्शन बहुत ज्यादा कम था, करीब 11% का परफॉर्मेंस कितना बढ़िया तगड़ा वाला दिया था। हालांकि हम लोग अपनी टीम में नहीं लेकर गए थे, लास्ट वाले 4 मिनट में हम लोग चेंज कर दिए थे, लेकिन इस मैच में सारा टिट व टिट वही होगा जो मैं आपको बता रहा हूं। पूरे वीडियो को ध्यान से देखना, एक एक चीज बारीकी से, इस बार हम लोग मिस नहीं करेंगे और इस बार हम लोग कन्फर्म विन करेंगे। तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि पूरे वीडियो को ध्यान से देखोगे ना तो आपको सारा कहानी डिटेल से समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। दूसरा T20 मुकाबला ये 11:40 पे ये आपको मैच होता हुआ दिखेगा सुबह में 29 दिसंबर के दिन, ठीक है। दूसरा T20 मुकाबला ही होने वाला है। अब चलो, ये किस ग्राउंड पे होने वाला था, ग्राउंड चेंज हो चुका है, कहानी चेंज हो गई है, अब क्या परफॉर्मेंस रहता है वो सारा कुछ मैं बताऊंगा। पेसर को मदद है, स्पिनर को मदद है, सारा कुछ डिटेल से मिलने वाले हैं, प्लेयर का हेड टू हेड सारा कुछ। तो यहाँ पे देखोगे तो बे ओवल मोंगनुई न्यूजीलैंड में ये मुकाबला होने वाला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि इस पिच पे लास्ट कितने साल पहले मुकाबला हुआ था, तो 2 साल पहले यहाँ पर मैचेस खेले गए थे और यहाँ पर पेसर और स्पिनर दोनों को बहुत ज्यादा मदद मिलता है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि जितना से जितना हो सकता है, ये कोई मैटर नहीं है भैया कि पेसर को लेकर के जाना है या फिर स्पिनर को लेकर के जाना है, दोनों आपको सेम उतना ही करते हुए दिखेंगे, जितना पेसर करेगा उतना स्पिनर करेगा, ठीक है। वेदर रिपोर्ट क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर मैं बात करूं कि इस पिच पे लास्ट जो 2 T20 मुकाबले खेले गए थे ना, उसमें परफॉर्मेंस क्या रहा था, तो अब यहां देखो, इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में मुकाबला हुआ था जिसमें इंडिया की टीम जीत गई थी। पेसर को मिले थे 8 विकेट और स्पिनर को भी मिले थे 8 विकेट। ये हुआ था 2022 के नवंबर महीने में, ठीक है। तो ये आप देख लेना, पेसर स्पिनर दोनों यहां पर बराबर बराबर विकेट निकाल रहे हैं। अगर वही मैं बात करूं कि 2020 में दूसरा मुकाबला जो T20 पहले इनसे खेला गया था, वो 2020 के नवंबर में खेला गया था, जिसमें पेसर को 6 विकेट और स्पिनर को 5 विकेट। तो मतलब यहां पर बराबर बराबर आंकड़ा है भाई, दोनों को उतने ही विकेट्स मिले हैं, तो ये देख करके आप चले जाना, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि ODD के मैचेस के, तो यहां पर ही पेसर को 10 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट, और यहां पर पेसर को 7 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट। कुल मिलाकर के स्पिनर पेसर दोनों मिलाकर के बराबर ही परफॉर्मेंस कर रहे हैं। तो अब दोनों में से मतलब ऐसा कोई इशू नहीं है कि किस बॉलर को रखना है क्या रखना है, दोनों आपको यहां पर डोमिनेट करते हुए दिखेंगे। अगर मैं बात करूं कि लास्ट जो 2 T20 मुकाबले गुजरे हैं इस ग्राउंड पे, पेसर को कितना विकेट मिला है, तो स्पिनर को कितना मिला है, तो पेसर को मिला 14 और स्पिनर को मिला है 13 विकेट। तो यहां पर देख लो कि दोनों का कांटे के टक्कर है, दोनों बराबर यहां पर परफॉर्मेंस करते हुए आपको दिखेंगे। अगर मैं बात करूं जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक चीज निकल करके आ रहा है ना, कि जो यहाँ पे मुकाबले जितने खेले गए हैं, जो कि 10 मुकाबला यहाँ पर इस पिच पे खेला गया है T20 का मुकाबला, जिसमें से 8 मुकाबला टीम वही जीती है ना जो पहले टॉस करके बैटिंग की है। तो एक चीज मैं बता देता हूं, कल के मैचेस, सॉरी, जब भी ये मुकाबला होगा ना, जब भी मुकाबला होगा, जो भी टीम टॉस जीतेगी तो पहले उनका यही डिसीजन रहेगा कि बैटिंग करे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे जो बैटिंग पहले करती है वो जीती है, बैटिंग सेकंड वाली टीम एक भी नहीं जीती है, टाइड भी नहीं हुआ, 2 मैचेस इनके एमेंडेड हुए थे बारिश की वजह से। तो यहाँ 8 के 8 मुकाबला जो पहले बैटिंग करती है वही जीती है टीम। एवरेज जो स्कोर है फर्स्ट बैटिंग का वो 171 रन यहाँ पर बनते हैं, तो ये भी आप देख करके चल लेना भाई, ठीक है। आगे बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि मेरे हर वीडियो में गिव अवे भी रहता है ₹200 का, तो आप पार्टिसिपेट जरूर करना। कुछ नहीं करना है, आपको बताना है सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे कौन सा बंदा देने वाला है, उसका नाम लिख देना, और सबसे ज्यादा पॉइंट ड्रीम इलेवन पे बैटिंग बैट्समैन से, मतलब बैटिंग सेक्शन से कौन सा बंदा देने वाला है परफॉर्मेंस, उसका नाम लिख देना। आपको कमेंट सेक्शन में #NZ vs BA लिख देना। अगर आपका जवाब सही हो जाता है तो आपको आराम से ₹200 मिल जाएंगे, ठीक है। आगे कहानी को हम लोग डिस्कस करते चलेंगे। बहुत सारे इंटरनेशनल मुकाबले हम लोग फॉलो कर रहे हैं, तो जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना, कैसे ज्वाइन होना है वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। 18 मैचेस खेले गए हैं दोनों के बीच में, 9 मुकाबला न्यूजीलैंड की टीम जीती है और 7 मुकाबला बांग्लादेश की टीम जीती है। तो यहां पर एक चीज देख लेना कि मतलब उतना तो मैं नहीं बोलूंगा कि वन साइडेड मैच होगा, यहां पर 7 मुकाबला जीत करके लास्ट वाले मुकाबला भी जीत गई थी बांग्लादेश की टीम। तो इनका थोड़ा फेवर, इनके ऊपर थोड़ा सा डोमिनेट ज्यादा रहेगा, बिकॉज लास्ट वाले टीम ये जीत करके आई है। तो यहां पर बराबर बराबर मैं बोलूंगा, ठीक है, 9-7 का कॉम्बिनेशन चल रहा है तो ठीक ठाक ही है। अगर मैं बात करूं कि दोनों के जीतने के चांसेस तो 50-50% है, कोई भी टीम विन कर सकती है, लेकिन मुझे लगता है कि इस मैच में न्यूजीलैंड 100% अपने आप को डोमिनेट करेगा और इनके टीम भी, मतलब इनके प्लेयर भी डोमिनेट करेंगे, तो ये इनके जीतने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना, बिकॉज अगर अभी ज्वाइन नहीं किया ना तो गलती आप यहीं पर कर रहे हो यार, बिकॉज फाइनल टीम तो आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो टेलीग्राम चैनल से जल्दी जाना,
देखो इस वीडियो के ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में जाना, आपको ऐसा इंटरफेस दिख जाएगा, नीचे आपको लिंक दिख जाएगा, डायरेक्टली लिंक पे क्लिक करोगे ना तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओगे, ज्वाइन बटन का आपको ऑप्शन दिख जाएगा, डायरेक्ट ज्वाइन करके आप क्लिक करके ज्वाइन हो जाओगे, ठीक है। तो ऐसे कर करके आप ज्वाइन कर सकते हो, बाकी आपकी मर्जी है, आपको जैसा अच्छा लगे वैसा कर सकते हो भाई, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे कि न्यूजीलैंड की तरफ से टीम न्यूज क्या है, कोई कहानी नहीं है, सारे वही प्लेयर आपके लिए खेलते हुए दिखने वाले हैं। लास्ट वाला मुकाबला ये टीम बहुत गंदा तरीके से हार गई थी, ठीक है। मतलब यार, मतलब अपने आप को बोलती है न्यूजीलैंड की टीम, और परफॉर्मेंस इनका बहुत खराब वाला बीता था। अब ऐसा क्यों है, रिसेंटली देखोगे तो T20 में इनके अच्छे खासे परफॉर्मेंस है, लास्ट दोनों मुकाबला जीती थी, उससे पहले हारी थी, और रिसेंटली जो ये खेली है वो देख लो आप, ठीक है। अब थोड़ा प्लेइंग 11 देख लेते हैं क्या कहानी रहने वाला है। तो प्लेइंग 11 आप देखोगे ना यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे फीन एलन टीम सिफर्ट के साथ आपको ओपनिंग करता हुआ दिखेगा, डैरी मिचेल दिख जाएंगे, ग्लेन फिलिप्स, मार्क चैपमैन, जेमी नीसम, मिचेल सेंटर, यही कहानी आपको देखने को मिलने वाला है, विद बैटिंग स्टाइल भी मैंने यहाँ पर ऐड कर रखा है, ठीक है। बैटिंग ऑर्डर पिछले मैच में ऐसे ही रहा था, तो इस मैच में भी होगा, ठीक है। अब चलो इनके प्लेयर के स्टैट्स थोड़ा सा मैं आपको डिस्कस करता हूँ। एक चीज में ध्यान रखना कि जो जेमी नीसम है ना, ये हो सकता है कि अगर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर गए, जो कि पिछले मैच में कर गए थे, तो हो सकता है इनको थोड़ा ऊपर प्रमोट कर दिया जाए, मार्क चैपमैन के प्लेस पे खिला दिया जाए, मार्क चैपमैन थोड़ा नीचे आ जाए, ठीक है। तो ये भी देख लेना आप, ठीक है। हो सकता है बेन सिर्स आपको नहीं खेलते हुए दिखे, इनके जगह पे कोई और बंदा खेलता हुआ आ जाएगा, अभी मैं डिस्कस कर दूंगा कि कौन आ सकता है। फिन एलन का अगर आप देखोगे ना, 23 का एवरेज, 25 का एवरेज इस टीम का खिलाफ, किस टीम के, बांग्लादेश टीम के खिलाफ इनका 25 का एवरेज है हेड टू हेड में, और इनका पूरा ओवरऑल ओडीडी में 23 का एवरेज है। ये हम लोग कहानी डिस्कस नहीं करेंगे, हम लोग ये नीचे वाला डिस्कस करेंगे। लास्ट वाले मुकाबला में एक ही रन बंदा बनाकर आया, और मैंने पिछले वाले वीडियो में भी आपको बताया था कि इनको हम लोग प्रीफर नहीं करेंगे, परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास नहीं है। टीम सीफर्ट भैया पता नहीं क्या इनका परफॉर्मेंस है, कुछ खास इनका निकला नहीं, लास्ट वाले मैच में 0 पे आउट हो गए थे परफॉर्मेंस। हालांकि आपको एक कैचिंग और स्टंपिंग से पॉइंट देता हुआ दिखेगा, बाकी कुछ खास प्लेयर है नहीं। 27 के एवरेज है इनका पूरा T20 में, चाहते हो तो लेकर के जा सकते हो, बट मैं अभी के लिए प्रीफर नहीं करूंगा। डैरी म्यूचुअल लास्ट वाले मुकाबले में 14 ही रन बनाया था, लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं होगा, परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा करता हुआ दिखेगा, 24 का एवरेज है, और जैसे ही बांग्लादेश टीम के खिलाफ खेलता है 45 का एवरेज इनका हो जाता है, तो बहुत अच्छा खासा परफॉर्मेंस है। तो इनको हम लोग रखेंगे भी टीम में, बल्कि कैप्टन भी बनाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो बंदा आता है वो ग्लेन फिलिप्स, 89 का एवरेज है, समझ रहे हो, मतलब बांग्लादेश टीम के खिलाफ पता नहीं लास्ट वाले मुकाबले में 0 रन बनाया, मतलब ये भी फ्लॉप हो गया था, लेकिन ऐसा कल के मैचेस में जब भी ये मैच होगा ना, वो ऐसा नहीं होने वाला है भाई, बिकॉज 89 का एवरेज है भाई T20 में, तो आप समझ ही रहोगे कितना हार्ड हीटर या खेलता हुआ दिखता है बांग्लादेश टीम के खिलाफ। तो इनको हम लोग हमेशा लेकर के जाएंगे, परफॉर्मेंस भी इनका अच्छा खासा है, आराम से रोटेट करके जाओ, ठीक है। बल्कि वीसी भी बनाना, कैप्टन भी बना सकते हो ग्राइंडिंग में। मार्क चैपमैन 30 का एवरेज, 4 का एवरेज इनका बांग्लादेश टीम के खिलाफ, तो कुछ खास नहीं है, लास्ट वाले मुकाबले में 19 रन बंदा बनाया था, परफॉर्मेंस नहीं देगा। अब जेमी नीसम के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, लास्ट वाले मैच में 48 रन बना गया था, बिकॉज इसलिए बना गया था कि इनके बैटिंग आ गया था, या ऊपर के बंदे फ्लॉप हो गए तो इनका बैटिंग आने का चांसेस हो गया, और उसमें बंदा ये 48 रन बनाता हुआ दिख गया, लेकिन बॉलिंग डाला था एक ही ओवर, अब विकेट भी निकाल लिया था, ठीक है। तो ये थोड़ा देख लेना, बॉलिंग अगर नहीं करता है ना, तो फिर ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लोग लेकर के इनको आएंगे, और ऐसा हमेशा नहीं होगा कि ऊपर वाले बंदे फ्लॉप हो जाएंगे और इनका परफॉर्मेंस करने का चांसेस आ जाएगा, या परफॉर्मेंस कर जाएंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, थोड़ा सा डाउट है मुझे इनके ऊपर, लेकिन लेकर के जाना, बॉलिंग करेगा तो और भी इंपॉर्टेंट बनेगा। मिचेल सेंटनर भैया इनका क्या ही, जितना बोलूं उतना ही कम है, हर मैच परफॉर्मेंस करता है। रिसेंटली आप देखो जितने भी मैचेस खेला ना, उसमें सारे 3 मैच में 8 विकेट है इनका न्यूजीलैंड के खिलाफ, तो उसमें भी अच्छा खासा इन्होंने कर रखा है, 23 रन, 1 विकेट और 3 विकेट और 1 विकेट, परफॉर्मेंस इनका अच्छा खासा है, नो डाउट अपनी टीम में आप लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट जो बन जाता है वो आईसोडी, भले लास्ट वाले मुकाबला में विकेट इनको नहीं मिला, लेकिन ऐसा हर मैच में नहीं होगा भाई, विकेट मिलेंगे। आप रिसेंटली वाले स्टैट्स भी देख सकते हो, 7 मैच में 14 विकेट है बांग्लादेश टीम के खिलाफ, और इनका पूरा 102 मैच में 126 विकेट है, पूरा ओवरऑल T20 करियर में इनका स्टैट्स, तो अच्छा खासा परफॉर्मेंस ये करते हैं, आपको लेकर के जाना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग। टीम सऊदी लास्ट वाले मुकाबले में 1 विकेट निकाला था, हर मैच में विकेट निकालता दिखेगा, इनके टीम से जितने भी बॉलर है लेकर के चले ही जाना, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे, बिकॉज ये बदला लेगी भाई, ठीक है। ये जो टीम है ना, वो मतलब हारी हुई से रहे, तो मतलब इनका मतलब जब भी मौका मिलेगा ना बांग्लादेश टीम को, तो ये तो नेक्स्ट ही मैच में पता चलेगा, तो ये आपको जितने भी बॉलर होंगे ना इनके टीम से लेकर के चले जाना, परफॉर्मेंस आपको अच्छा खासा, 8 मैच में 16 विकेट है इनका बांग्लादेश टीम के खिलाफ। बेन सिर्स लास्ट वाले मुकाबले खेल गए थे, मुझे नहीं मालूम इनको मतलब क्यों खिला दिया गया, 2 मैच में 1 विकेट है, 6 मैच में इनका 6 विकेट है पूरा ओवरऑल T20 में। लास्ट वाले मुकाबले में 4 ओवर डाला था, 1 विकेट भी निकल गया था, हो सकता है अगर नेक्स्ट मैच खेल जाता है तो उसमें भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस आपको करता हुआ दिख जाएगा। एडम मिलने बहुत तगड़े वाले इनके स्टैट्स है भाई, 16 रन 1 विकेट, हालांकि रिसेंटली वाला अगर देखोगे ना, 4 मैच में 6 विकेट है बांग्लादेश टीम के खिलाफ, और 44 मैच में 47 विकेट है इनका पूरा ओवरऑल T20 करियर में, तो इनका अच्छा खासा स्टैट्स है, आप लेकर के जा सकते हो। नेक्स्ट जो आते हैं सारे बेन्स के प्लेयर, रचल और रविंद्रा नहीं खेले थे, और इन्हीं के प्लेस से बेन्स सिर्स को खेला लिया गया था, ठीक है। तो देखते हैं अगर इस मैच में भी अगर ये नहीं फिट रहते हैं, नहीं खेलते हैं, तो फिर से बेन्स सिर्स को खिलाया जाएगा,
और फिर हो सकता है मेरे टीम में बेन सिर्स आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए मैंने ये टीम आपको बता रखा था कौन कौन से प्लेयर, रचल रविंद्रा पे थोड़ा सा फोकस रखना, अगर खेल जाएगा बंदा तो 100% लेके जाना, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट है आपके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, अगर अभी तक नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बिल्कुल अच्छा लग रहा होगा भाई, तो वीडियो को लाइक करते हुए चलना, ठीक है। आगे बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको जो दिखने वाला है ना वो मैं आपको बता देता हूँ। बांग्लादेश टीम की तरफ से कोई न्यूज निकल करके नहीं आया है, तो इनके बारे में हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे। लास्ट वाली टीम जीत करके आ रही है, मतलब लास्ट वाला मैच जीत करके आ रही है टीम, तो इनका थोड़ा सा भाई पोटेंशियल हाई रहने वाला है। अब इनके टीम से किसको किसको लेके जाना है वो अभी मैं डिस्कस करते हुए चलूंगा, तो आपको समझ में आता चला जाएगा। विद बैटिंग ऑर्डर अगर आप देखोगे ना, तो लिटन दास ओपनिंग करते हुए दिखेंगे रोनी तालुकदार के साथ, ठीक है। लास्ट वाले मुकाबले में मुझे लगा था कि आफीफ हुसैन यहां पर आता हुआ दिखेगा, रोनी तालुकदार यहां आते हुए दिखेंगे, लेकिन यहां पर सीधा उल्टा हो गया था। बट देख लेते हैं, यही आपको बैटिंग ऑर्डर देखने को मिलने वाला है। नजमुल हसन सेंटो सारेंग के प्लेयर अभी मैं डिस्कस करूंगा, तो आपको समझ में आता चला जाएगा, ठीक है। लिटन दास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो 23 का एवरेज है और 11 का एवरेज इनका हो जाता है न्यूजीलैंड का। हालांकि परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास नहीं है न्यूजीलैंड के टीम के खिलाफ, लेकिन लास्ट वाले मुकाबले में वही कहानी, 42 रन बंदा बना करके आ गया था, परफॉर्मेंस अच्छा खासा करेगा, विकेट कीपर भी है, तो स्टंपिंग और कैचिंग से भी आपको पॉइंट देता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट जो बंदा है वो रोनी तालुकदार आ जाते हैं, परफॉर्मेंस इनका उतना कुछ खास नहीं है, 25 का एवरेज है, आराम से आप इनको ड्रॉप कर सकते हो, ठीक है। नजमुल हसन सेंटो 26 का एवरेज और 25 का एवरेज इनका न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ है, तो उतना कुछ खास स्टैट्स नहीं है। लास्ट वाले मुकाबले में 19 रन बनाया था, उसमें भी कुछ खास ये बंदा नहीं कर पाया है। सौम्या सरकार आप इनका देखो 17 का एवरेज है ओवरऑल पूरा T20 में, और इनका अगर देखोगे ना न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ तो 20 का एवरेज हो जाता है। लास्ट वाले मुकाबले में 22 रन बंदा बनाकर क्या था। देखो एक चीज इन पे डाउट रखना, अगर सौम्या सरकार को रख रहे हो तो फिर जेमी निसम को आपको ड्रॉप करना पड़ेगा, बिकॉज जगह नहीं बन पाएगा भाई। अगर आपको जेमी निसम को रखना है तो फिर इनको ड्रॉप करना पड़ेगा। अब जो भी होगा हम लोग डिस्कस करेंगे ड्रीम इलेवन की टीम, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। तो भी धीरे 26 का एवरेज कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं है, आराम से ड्रॉप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आते हैं आफीफ हुसैन आते हैं, इनका बैटिंग ऑर्डर थोड़ा नीचे ऊपर रहता तो थोड़ा सोचते भी, कुछ खास इनके परफॉर्मेंस नहीं है। मेहंदी हसन मैंने पिछले बार वीडियो में भी आपको बताया था, बंदा बहुत तगड़ा वाला है, 7 मैच में इनका 9 विकेट है न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, ओवरऑल इनके पूरा T20 में 38 मैच में 30 विकेट है और परफॉर्मेंस आपको करके देगा। मैंने आपको पिछले मैच में बताया था, इस बार भी बोल रहा हूं, इस बंदे को बिल्कुल भी ड्रॉप मत करना, अपने टीम में लेके जाना। 19 रन बनाया लास्ट वाले मुकाबले में, 4 ओवर डाल करके 2 विकेट भी निकाला, इंपॉर्टेंट बॉलर है, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, परफॉर्मेंस करके देगा, पिछले बार में मैंने बताया था आपको। रिशाद हुसैन कुछ खास नहीं बनने वाले, 3 मैच में 2 विकेट है इनका और न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ अभी एक भी मुकाबला खेला नहीं था, लेकिन लास्ट वाले मुकाबला खेला है और 3 ओवर में 1 विकेट निकाला है, अच्छा खासा परफॉर्मेंस करता है, बट इंपॉर्टेंट उतना नहीं बनेगा, ग्रैंड लीग रोटेट करना। मुस्तफिजुर रहमान भाई बहुत तगड़ा वाला स्टैट्स है इनका, 4 ओवर में 2 विकेट, 85 मैच में 103 विकेट है पूरा ओवरऑल T20 में और 8 मैच में 14 विकेट इनका न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, तो अच्छा खासा तो परफॉर्मेंस ही कर ही जाता है, आराम से आप लेकर के जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इंपॉर्टेंट बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है सोरीफुल इस्लाम आते हैं, इनको भी हम लोग ड्रॉप नहीं करेंगे, 31 मैच में 34 विकेट है, 6 मैच में 6 विकेट है इनका न्यूजीलैंड टीम के खिलाफ, परफॉर्मेंस आपको करके देगा 100% करके देगा, आराम से लेके जाओ, 4 ओवर में 3 विकेट है तो मतलब कहानी जबरदस्त रहने वाला है। नेक्स्ट जो आने वाले हैं तंजीम हसन साकिब, लास्ट वाले मुकाबले इनको खिला दिया गया था, हसन महमूद को नहीं खिलाया गया था, उनके प्लेस इनको खिला दिया गया था, 4 ओवर में 1 विकेट निकाले थे, उतना कुछ खास नहीं है लेकिन बंदा इंपॉर्टेंट बनता हुआ दिखेगा, अगर जगह बनेगा तो लेकर के जाएंगे, मेरे टीम में तो जगह नहीं बन रहा है अभी के लिए स्मॉली के लिए, तो मैं अभी के लिए इनको प्रीफर नहीं करूंगा। और इसके बाद आते हैं सारे बिल्स के प्लेयर, ठीक है, जैसे कि मेहंदी हसन, मिराज हसन, महमूद, समीम हुसैन, कोई खेलता है ना, वे तो स्टार्ट्स में बता दूंगा यार आपको टेलीग्राम पे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो। देखो चैनल को सब्सक्राइब इसलिए करना है कि अभी देखो सेकंड टेस्ट स्टार्ट होगा ऑस्ट्रेलिया क्या बोलते हैं साउथ अफ्रीका और इंडिया का, उसका वीडियो आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का टेस्ट है मुकाबला सेकंड, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे, थर्ड जो टेस्ट होने वाला है वो हम लोग सारा कुछ वीडियो में आपको मिल जाएगा। तो सब्सक्राइब किए रहोगे तब तो नोटिफिकेशन मिलेगा ना भाई, सब्सक्राइब करने से मतलब नहीं है, सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबाकर ऑल कर लोगे ना तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो कहानी जबरदस्त हो जाएगा, ठीक है। अब चलो डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा सा ड्रीम इलेवन की टीम। अब यहाँ पे देखोगे तो विकेट कीपिंग सेक्शन से लिटन दास टीम सीफर्ट दिख जाएगा, टीम सीफर्ट कुछ खास करता हुआ नहीं दिख रहा है, आराम से हम लोग लिटन दास के ऊपर फोकस करेंगे, इनको लेके जाएंगे और कोई चॉइसेस नहीं बनने वाला है। बैटिंग सेक्शन पे डैरिन मिचेल को मैं रखूंगा, बहुत तगड़ा वाला इनका स्टैट्स है, लास्ट वाले मैच में भले ही फ्लॉप हो गया था लेकिन इंपॉर्टेंट बनेगा। ग्लेन फिलिप्स बहुत तगड़ा वाला स्टैट्स मैंने दिखाया था भाई, 89 का एवरेज है, लास्ट वाले मैचेस से जज मत करना किसी भी न्यूजीलैंड वाले प्लेयर को, कभी भी परफॉर्मेंस करके दे सकता है, लेके जाना। नजमुल हसन सैंटो मुझे उन्हें लगता है कुछ खास करता हुआ दिखेगा, मैं इनको ड्रॉप करूंगा, यहां से मुझे और कोई खास नहीं दिख रहा है। मार्क चैपमैन ज्यादा कुछ करेंगे नहीं, समूह में रोनी तालुकदार कुछ खास करने वाले हैं। अब आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो रचल रविंद्रा जो कि लास्ट वाले मुकाबला नहीं खेले थे तो चांसेस इनके कम बनेंगे, अगर खेल जाते हैं तो फिर 100% रहेंगे। मेहंदी हसन मिराज देखेंगे जगह बनेगा तो लेके जाएंगे, मुझे नहीं लगता कि इनका जगह बनने वाला है मेरी टीम में। मिचेल सैंटनर बहुत अच्छा खासा स्टैट्स है इनका, जेमी निसम मैं इनको रखूंगा, सौम्या सरकार के ऊपर थोड़ा सा मुझे डाउट है, मेहंदी हसन मेरे टीम में रहने वाले हैं, ये बंदा इस बंदे को फोकस रखना भाई, बहुत तरह वाला स्टैट्स है इनका।
टीम सऊदी, सॉरी फुल इस्लाम, एडम मिलने, मुस्तफिजुर रहमान, मैं सारे बंदे को रखूंगा और आई सॉडी को भी रखूंगा। और इस हिसाब से जो मैंने आपको समझाया उस हिसाब से अभी के लिए टीम हो गई है क्रिएट। विकेट कीपिंग सेक्शन से मैंने लिटन दास को रखा है, बैटिंग सेक्शन से मैंने डैरी मिचेल, ग्लेन फिलिप्स को रखा है, और ऑलराउंडर सेक्शन से जेबी डिसन, मिचेल सैंडर और मेहंदी हसन को रख लिया। एक चीज ध्यान रखना, मैंने सौम्या सरकार को यहां पर ऐड नहीं किया है और यहां से टीम सीफर्ट को मैंने नहीं रखा है, बिकॉज टीम सीफर्ट तो जगह बनना ही नहीं रहा है मेरे टीम में। अगर सौम्या सरकार को अगर आप रखना चाहते हो तो गेम खेलना आप जेमी निसम के ऊपर, इनको हटा करके आप सौम्या सरकार को लेकर के जा सकते हो। बॉलिंग सेशन से टीम सऊदी, मिलने, एसओडी, सॉरीफुल इस्लाम और मुस्तफिजुर रहमान को रखा है, कैप्टन मैंने डैरी मिचेल और वाइस कैप्टन ग्लेन फिलिप्स को बनाया है। तो दोस्तों ये अभी के लिए हमारी टीम है, फाइनल टीम नहीं है, फाइनल टीम आपको मिलने वाली है टेलीग्राम पे, टॉस अपडेट हो जाएगा, सारा कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपको टेलीग्राम पे बताता रहता हूँ, तो जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो जाना अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया हो तो। ठीक है, तो जल्दी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए ट्रिक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, जय हिंद।